श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् रामचरितमानस, श्री भक्तमाल, श्री विनय पत्रिका, ये ऐसे पवित्र ग्रंथ हैं। इनकी शरण कोई भी जिज्ञासु ग्रहण कर ले उसको कल्याण का मार्ग खुल जाएगा। समस्या पूरे संसार में सबसे भारी यही है कि हम दीक्षा तो लेते हैं पर दीक्षा ग्रहण करने के पहले जो भूमिका निर्मित होनी चाहिए, दीक्षा के पूर्व की जो तैयारी होनी चाहिए वो तैयारी साधक की हो नहीं पाती। अरे हम आपसे पूछते हैं, भट्टी में, भूभर में बीज डाल देने से क्या बीज अंकुरित होगा? उर्वरा भूमि में, कुछ नमी वाली भूमि में जो नम्र हो गई है उस भूमि में बीज डाला जाएगा तो अंकुरण होगा। इसलिए खूब हरिनाम जप करो, खान पान को शुद्ध करो, माता पिता गौ ब्राह्मण इनकी सेवा करो, संतों में सद्भाव करो और इन पवित्र आर्ष ग्रंथों की शरण लो और अहर्निश श्री नाम का आश्रय लो। ये कुछ काल तक आप करेंगे तब आपको भोगों से अरुचि होगी, संसार से वैराग्य होगा, भगवत दर्शन की व्याकुलता होगी। ये हुई दीक्षा की तैयारी। ऐसा हो जाएगा तो सद्गुरु खोजना नहीं पड़ेंगे, सद्गुरु कृपा करके तुम्हें खोजते हुए आ जाएंगे और तुम्हें अंगीकार करके तुम्हें धन्य कर देंगे। ऐसी कितनी घटनाएं हम आपको सुनावें। एक महापुरुष थे महाराज जी, परमहंस श्री रामानुजदास जी महाराज, बड़े उच्च कोटि के जीवन मुक्त भगवत प्राप्त संत थे। खुली आंखों से देवी देवताओं का, सिद्धों का, भगवत लीलाओं का उन्हें दर्शन होता रहता था। कई कई जन्मों की स्मृति उनको थी। बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे। अब हम क्या कहें उनके बारे में, ऐसे अद्भुत संत थे, हमने देखा नहीं पर जिन हमारे पूज्य गुरुजनों ने उनका संग किया उनकी वाणी से सुनी हुई बात हम आपको निवेदन कर रहे हैं। परमहंस श्री रामानुजदास जी महाराज बड़े उच्च कोटि के सिद्ध महात्मा थे। किस प्रसंग में हम कह रहे थे, बार बार भूल जाते हैं, काय में हैं? हाँ, नहीं नहीं नहीं, अभी ये प्रकरण किस बारे में कह रहे थे हैं? हैं? हाँ, गुरु खोजते हुए चले जाएंगे, ये बात यहाँ बोलो ना। आप लोग तो पीछे से ले रहे हो, इसका मतलब बहुत ठीक से नहीं सुन रहे हो। तो उनके जीवन की घटना है, जिन संत का हम नाम ले रहे हैं उनके जीवन की घटना है। उन्हें अपने कई जन्मों की स्मृति थी, बचपन जन्म सिद्ध थे वो। तो जब उनकी आयु 7-8 वर्ष की थी, उसी समय बचपन से जब से मुंह बोलना शुरू किया तब से राम नाम का जप आरंभ कर, राम 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 राम, ये जपना शुरू कर दिया। और 7-8 वर्ष के होते होते तो घर छोड़कर चल पड़े बिहार में, पटना क्षेत्र में जो हरिहर क्षेत्र है, उस हरिहर क्षेत्र में उनका एक विप्र कुल में जन्म हुआ था। और उस छोटी आयु का बालक, कितनी आयु का बालक, 7-8 वर्ष के बीच का बालक, कहाँ आज से लगभग 100 वर्ष पुरानी घटना या 125 वर्ष पुरानी घटना होनी चाहिए आज से, सन संबत मेरी स्मृति में नहीं है। और वह बालक वहां से चलकर पैदल अयोध्या आ गया। कहाँ गया? अयोध्या। और अयोध्या में एक माझा करके जगह है, सरयू जी का माझा, उस माझा में झाऊ के जंगल में एक बार सरयू स्नान करके वह बालक बैठ गया, राम नाम का जप करने लग गया और यह निश्चय किया कि मैं तो समझता नहीं, पहचानता नहीं, गुरु कहते किसको हैं। अब जो महापुरुष यहाँ मुझे खोज कर अपनी ओर से कृपा करके मुझे नाम सुनावेंगे वही मेरे सद्गुरु होंगे।
इस संकल्प को लेकर वो बालक बैठ गया और 7-8 वर्ष का बालक लगातार 2 दिन 2 रात तक बैठा रहा। कितने दिन? 2 रात। तीसरा दिन था, सवेरे के 3 बज रहे होंगे, 2:30-3 ही बज रहा होगा। तपसी जी की छावनी में, तपसी जी की छावनी बड़ा पुराना स्थान है अयोध्या जी में, वहाँ एक अभ्यागत संत रहते थे। वो महंत नहीं थे, वहाँ के अभ्यागत संत थे, वो भी सिद्ध पुरुष थे, अहर्निश नाम जपने वाले। इतने नाम जापक थे कि हनुमान जी उनके पास निकट बने रहते थे, नाम श्रवण की इच्छा से। चाहे जब हनुमान जी का दर्शन होता था तो जैसे ही उन्होंने 2-2:30 बजे अपना आसन छोड़ा तो हनुमान जी सामने प्रकट हो गए। श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री सीताराम, श्री सीताराम। आपने हनुमान जी को साष्टांग किया, आज तो मंगल मूर्ति मारुति नंदन, आज तो मंगलमय ब्रह्मवेला में ही आपका दर्शन हो गया, क्या आज्ञा है? हनुमान जी ने कहा, मैं तुम्हें आज्ञा देने आया हूँ। आज यहाँ से सरयू स्नान के लिए तुम जाते ही हो, नहीं तो वहाँ जाओ, स्नान करके अमुक स्थान पर जाना, वहाँ एक बालक बैठा है, उसे श्री रामतारक मंत्र की दीक्षा दे करके और तुम उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करो। आपने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मैं स्वयं शिष्य नहीं बन पाया ठीक से, मैंने आज तक कभी किसी को दीक्षा नहीं दी है और दीक्षा तो स्थानधारी महंत देते हैं, मैं तो अभ्यागत साधु हूँ, कहाँ कैसे दीक्षा दूंगा? हनुमान जी ने कहा, मेरी आज्ञा है, ऐसे शिष्य को पाकर आप धन्य हो जाओगे। हनुमान जी की आज्ञा मानकर वे गए, तो स्नान करके हाथ में कमंडल था, ब्रह्मपात्र, और वो जैसे ही आए तो देखा बालक झाऊ के झाड़ में बैठ कर के राम 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 उच्चारण पूर्वक जप रहा है। रोम रोम खिल गया, इस बालक के लिए ही हनुमान जी ने हमको यहाँ भेजा है। श्री राम, जय जय राम, बालक पर हाथ फिराया, बेटा हम आ गए, हनुमान जी की आज्ञा हुई है, हम तुम्हें श्री राम तारक की दीक्षा देने आए, बेटा सरयू स्नान करो। स्नान कराया, स्नान करा के वहीं की रज का तिलक लगा दिया, अपनी जटा में से एक हीरा निकाल करके हीरा धारण करा दिया, कान में श्री राम तारक सुना दिया और बोले, तुम्हारी निष्ठा रामानुज लक्ष्मण जी के जैसी है राम जी के नाम में, इसलिए हम तुम्हारा नाम रामानुज दास रखते हैं। कह करके गुरुजी बोले, अब जाओ भजन करो। बस इतने गुरु चेला का संयोग हुआ, गुरुजी ने फिर साथ रखा हो सेवा सो कुछ नहीं, वो तो सिद्ध थे, निकल गए भजन में। हमारे पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज जिधर प्रथम चित्र लगा है, उन महाराज जी ने इन्हीं महापुरुष का संग करके भजन के मार्ग पर वो आगे बढ़े। ऐसे महापुरुष थे। तो पूज्य परमहंस रामानुजदास जी महाराज कहते थे, आप भजन तो करो, आपकी भूमिका तो तैयार हो, श्री नारद जी, सुखदेव जी, सनकादिक भगवान, ये सब के सब सिद्ध महापुरुष घूम रहे हैं किसी जिज्ञासु की तलाश में कि हम उस पर कृपा करें। वो संतों का चरित्र उठाकर देखो, ऐसे ही सब कृपा भई है, आचार्यों की कृपा ऐसी हुई है। तो हमारी प्रार्थना यह है कि दीक्षा में हड़बड़ी नहीं, खूब साधन करो, नाम जप करो, भजन करो, और इसके बाद ऐसी जो हमने बात बताई, शरीर संसार से वैराग्य, भगवत दर्शन की व्याकुलता, ये जग जाए तो समझ लो, अब फिर बस गर्म लोहा हो तो गर्म लोहा पर चोट पड़ेगी तो सब काम बढ़िया हो जाएगा, और ठंडा हो गया ताव तो जय सिया राम।